हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका 12th क्लास का चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट पूरा आपने पढ़ लिया। दो टर्न में पढ़ा दिया था मैंने। उसके बाद मैंने होमवर्क भी दिया था आपको करने को, शायद कर लिया होगा आपने। चलिए, होमवर्क के बाद मैं आज आपको इसके एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। मैंने PDF बनाई है इसके एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स की PDF बनाकर भेजी है। आप अच्छे से उसे देख लेना और अपना होमवर्क अपनी कॉपी में कर लेना अच्छे से। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है, इन दिस वे आई वॉज गेटिंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स। तो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ये आप कर लेंगे। सेकेंड, एज सून एज अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड मी, दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वोवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वॉइस, आई डिड नॉट नो बट अनमिस्केबली दे डिजायर। ये वाला एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। फिर सेकेंड पेज में जिस तरह से आपको बता रहा हूँ इसी तरह से PDF बना के भेजिए, देख लीजिएगा आप सब। एक्सप्लेनेशन इसका ये है। उसके बाद थर्ड, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैव बीन अकस्टम्ड टू अ लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, लेस देन $2 अ वीक। तो ये सेकेंड, इसी तरह से ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला, द मोस्ट डेलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9। यहाँ फिफ्थ दे रखा है शी वाइप्स। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आता है। शी वाइप्ड हर आईज, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म। सिक्स्थ, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज वर इन विलेजेस एज वेल एज इन द हाई ऑफिसेस। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। एट नंबर, आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, डिस्ट्रेस एंड रेज इन द ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन। नाइन्थ, माई आर्म्स वर फुल एंड आई हैड नॉट नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। इस लास्ट वाले का, नाइन्थ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, PDF फाइल में भी है सही। उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन होते हैं बच्चों, ये नहीं आते हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिए हैं, ना दिए हैं आपको, ना करने को आते हैं। शॉर्ट आंसर ज़रूर आते हैं, शॉर्ट आंसर यहाँ से हैं। डिस्क्राइब द थिंग एंड सीन राइटर सॉ ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। रानीखेत और दिल्ली के मार्ग में उसने क्या क्या देखा। सेकेंड, हाउ डज ऑथर रूटीन टॉकिंग विद द पीपल इंटरप्टेड। किस तरह से लेखक का लोगों के बीच बातचीत करने का जो क्रम बाधित हुआ। वट डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन सेल एंड वाई। रिफ्यूजी बच्चे क्या बेचते थे और क्यों। वाई वर दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन आर रिफ्यूजीज क्यों कहा गया है। हाउ मेनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड वाई। कितने लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और क्यों। वट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन स्टेशन। एक स्टेशन पर लेखक की बातचीत करने का क्रम क्यों टूटा। आफ्टर पार्टीशन, नाइन्थ नंबर। हु वर दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। कौन थे ये रिफ्यूजी बच्चे जो बेच रहे थे। वट इन्फॉर्मेशन डज द राइटर गिव्स यू अबाउट देम। उनके विषय में आपको क्या जानकारी मिलती है। वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिस्केंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। लेखक पर एक टिड्डी दल की तरह क्यों झपटे। विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। किस विक्रेता ने लेखक का ध्यान अपनी ओर खींचा और अधिक मोस्टली खींचा। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट मेड द राइटर रियलाइज ही हैड गिवन ऑफन बाई एक्सटेंडिंग द ग्रेजुटी ऑफ अ गर्ल सब्स्टिट्यूट फॉर नॉट बाइंग द बास्केट। वो क्यों नहीं बता सका कि उसे क्यों नहीं खरीदना है। वट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट।
किस चीज़ ने लेखक को बाधित किया, लेखक को फोर्स किया उस लड़की की टोकरी खरीदने के लिए। 14th, वट डिड द राइटर डू टू गेट द फील्स ऑफ पल्स ऑफ नेशन, भारत की धड़कन को जांचने के लिए उसने क्या किया। वट वॉज द प्लाइट ऑफ दीज रिफ्यूजी, वट वर द डूइंग देयर लिप्स। 16th, हु हैड गिवन द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, हाउ। उसके बाद है 17th, दिख रहा होगा आपका शायद, जरूर 17th, राइट अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ अ करेक्टर ऑफ अ रिफ्यूजी गर्ल, रिफ्यूजी गर्ल का संक्षेप में चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18th, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ दिस गर्ल ऑफ 9, इस 9 साल की बच्ची के चरित्र से आप क्या सीखते हैं। डिस्क्राइब अदर्स ऑथर्स एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, लेखक के वर्णन और अनुभव को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गेव द पंडित नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव इंडिया, क्या कारण था कि पंडित नेहरू को लेखक ने बताया कि वो भारत से प्रेम करने लगा। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आते नहीं है। इस तरह से आपको आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से अच्छी तरह से जल्दी तैयार कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। कंप्लीट हो गया ये आपका फर्स्ट चैप्टर, अ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस।